नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप स्वागत करता हूं आपका करियर प्लानेट की ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि आप ऑफिस एक्सपेंसेस से संबंधित एंट्रीज को जीएसटी के साथ टेली में किस तरह से पोस्ट करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कुछ ऐसे एक्सपेंसेस के बारे में जिनमें हमको ITC अवेलेबल था। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसे एक्सपेंसेस के बारे में जिनमें हमको ITC अवेलेबल नहीं है, और कुछ एक्सपेंसेस ऐसे हैं जिन पर 0% GST है और कुछ पर GST की रेट अप्लाई है लेकिन उनका ITC हमको अवेलेबल नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये सारे कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हैं जिन पर 0% GST है, तो इनका इनपुट क्रेडिट हमें नहीं मिलने वाला है। फर्स्ट है सैलरी, वेजेस एंड बोनस पेड टू एम्प्लॉयज़। इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर चार्जेस, प्लेन वाटर। यहाँ आपको ध्यान रखना है दोस्तों, यदि मिनरल वाटर की बात हो रही है तो वहाँ GST एप्लीकेबल है, जो मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था। ठीक इस तरह से बैंक इंटरेस्ट, प्रोफेशनल टैक्स, BMC टैक्स, बिल्डिंग और प्रॉपर्टी टैक्स, पेट्रोल डीजल, CNG, केरोसिन एक्सपेंसेस, लिकर एक्सपेंसेस, रजिस्ट्रेशन फीस, ROF, ROC, RTO एक्सेट्रा, डोनेशन, लेबर वेलफेयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू गवर्नमेंट, फाइन एंड पेनल्टीज, कन्वेंस एक्सपेंसेस। कन्वेंस में आपको ध्यान रखना है नॉन AC, टैक्सी, ऑटो, बस या ट्रेन का आप यूज़ करते हैं तो 0% है, जिसका हमको ITC नहीं मिलेगा। अभी मैं आपको बताऊंगा कि ऐसी कंडीशन में क्या होने वाला है। इस तरह से लोडिंग एंड अनलोडिंग चार्जेस में भी, यदि आप एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की हमाली दे रहे हैं तो 0% है और उसका ITC हमें नहीं मिलने वाला है। इस तरह से रेंट पेड फॉर रेजिडेंशियल यूज़, उसमें भी 0% है। इस तरह से गोडाउन रेंट फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, उसमें भी 0% है। और न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स, उन पर जो हमारा एक्सपेंसेस हो रहा है उस पर भी 0% है। तो इन सारे एक्सपेंसेस की हमें ITC नहीं मिलने वाली है। इसके लिए आप हमारा नील रेटेड इनवॉइसेस विद GST इन टैली वीडियो देख सकते हैं कि इनके एंट्रीज को हमने टैली में किस तरह से पोस्ट किया है। दोस्तों, अब कुछ ऐसे एक्सपेंसेस की बात कर लेते हैं जिनमें GST एप्लीकेबल है और जो रजिस्टर्ड सप्लाई भी हो सकती हैं, अनरजिस्टर्ड सप्लाई भी हो सकती हैं, मीन्स जिन पर रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है लेकिन जिनकी ITC हम नहीं क्लेम कर सकते हैं। इनमें फर्स्ट है कन्वेंस एक्सपेंसेस, जैसे रेडियो टैक्सी, ओला, उबर और कोई भी अदर ऐसी व्हीकल्स, उन पर 5% GST एप्लीकेबल है और इनका ITC हमको नहीं मिलने वाला है। इस तरह से ट्रैवलिंग इन ट्रेन बाय AC और फर्स्ट क्लास, उस पर भी 5% GST है और इसका भी हमको इनपुट क्रेडिट नहीं मिलने वाला है। फूड एंड बेवरेज एक्सपेंसेस, नॉन AC रेस्टोरेंट है तो 12%, इस पर भी रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड, अगर अनरजिस्टर्ड है तो रिवर्स चार्ज आपको अप्लाई करना है और इसका भी ITC हमें नहीं मिलेगा। इस तरह से अगर रेस्टोरेंट हमारा AC रेस्टोरेंट है तो 18 और 28 दोनों ही रेट एप्लीकेबल है और इस पर भी हमको ITC नहीं मिलेगा। इस तरह से आप कोई भी क्लब या मेंबरशिप फीस पेड करते हैं तो उस पर 18% GST है और इसका भी ITC हम क्लेम नहीं कर सकते। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम अगर आप देते हैं तो उस पर भी आप ITC एप्लीकेबल नहीं कर सकते, पर इस पर केवल रजिस्टर्ड सप्लाई ही हो सकती है। इसी तरह से आपने कोई स्पॉन्सरशिप सर्विसेज के लिए पेमेंट किया है या आपने किसी को स्पॉन्सर किया है तो उसका जो एक्सपेंसेस है उस पर 18% आपका GST एप्लीकेबल है और इस पर भी हमको ITC नहीं मिलने वाला है। वॉल पेंट आप करवाते हैं तो उस पर 28% GST है और इस पर भी हमको ITC नहीं मिलेगा। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस और इंटरनेशनल ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है तो 28% है GST और उस पर भी हमको ITC नहीं मिलेगा। कोल्ड ड्रिंक 40% GST रेट है इसके ऊपर और ITC नॉट एप्लीकेबल है। इस तरह से इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स, जिस पर 18 और 28% दोनों ही GST रेट एप्लीकेबल है और इस पर भी हमको ITC नहीं मिलने वाला है। इस तरह से फ्री गिफ्ट्स जो आप स्टाफ को देते हैं वो अप टू 50,000 तक तो एग्जेम्प्टेड है, उसके ऊपर जो भी आप गिफ्ट देंगे उन पर आप ITC नहीं ले पाएंगे। तो दोस्तों, इस तरह से हमने देखा कुछ कॉमन एक्सपेंसेस के बारे में और आने वाले वीडियोस में मैं और आपको एक्सपेंसेस के बारे में बताता रहूँगा। अभी अगर आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, उपयोगी लगा हो, तो इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी कर लीजिए। थैंक यू सो मच।